हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो इन टुडेज वीडियो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल हम ग्रुप थ्योरी में कैसे बनाते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज केलेस टेबल्स। तो इनको अगर आपको बनाना आता है तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि ये टेबल बनाने में अगर आपको आती है तो सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगता है। देखिए, ये टेबल बनाना बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशन देखना है कि हमारा ऑपरेशन क्या है। देखिए, ये हमारा एडिशन मॉड्यूलो 5 ऑपरेशन है। तो इस टेबल को हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इस जीरो को हम इन सबसे ऑपरेट करेंगे। जब आप जीरो को जीरो से ऑपरेट करोगे, ऑपरेशन है आपका एडिशन मॉड्यूलो 5। एडिशन मॉड्यूलो 5 मीन्स व्हेन वी एड जीरो एंड जीरो एंड वी डिवाइड बाय 5 एंड वील राइट हेयर रिमाइंडर। यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। 0 + 0 इज 0 एंड यू विल डिवाइड बाय 5 यू विल गेट 0। ओके, व्हेन यू विल ऐड 0 एंड 1, 0 + 1 इज 1, 1 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 1। 0 + 2 इज 2, 2 को डिवाइड करेंगे 5 से रिमाइंडर क्या होगा, 2। 0 + 3 इज 3, 3 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या होगा, 3। 0 + 4 इज 4, डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर इज 4। ओके, बहुत ही सिंपल है ये। देखिए, नेक्स्ट 1 को 0 में ऐड कीजिए, 1 + 0 1, रिमाइंडर विल बी 1 आफ्टर डिवाइडिंग बाय 5। 1 + 2 इज 3, 3 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर विल बी 3। 1 + 3 इज 4, रिमाइंडर विल बी 4। 1 + 1 + 2 इज 3, हियर इट विल कम 1 + 1 इज 2, 1 + 2 इज 3, 1 + 3 इज 4 एंड 1 + 4 इज 5, तो रिमाइंडर विल बी 0 जब आप 5 को 5 से डिवाइड करेंगे। नाउ विल ऐड 2 + 0 इज 2, क्योंकि 2 + 0 इज 2, डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर विल बी 2, है ना। 2 + 0 2, डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर विल बी 2। ओके, तो क्या है, नेक्स्ट को कीजिए 2 2 2 2 और 1 3, रिमाइंडर विल बी 3। 2 और 2 4, रिमाइंडर विल बी 4। 2 + 3 5, रिमाइंडर विल बी 0, 5 है रिमाइंडर क्या होगा 0। 2 + 4 6, रिमाइंडर विल बी 1 जब आप 6 को 5 से डिवाइड करेंगे। 3, 3 + 0 इज 3, 3 + 1 इज 4, 3 + 2 इज 0, 3 + 2 इज 0, 3 + 3 इज 1, 3 + 4 इज 3 + 4 इज 7 एंड रिमाइंडर इज 2, 4 + 0 इज 4, ओके, 4 + 1 इज 0, 4 + 2 इज 1, 4 + 3 इज 2, 4 + 4 इज 4 + 4 इज 8, 8 को डिवाइड कीजिए क्या आएगा आपके पास 3। तो ये बन गई आपकी एडिशन मॉड्यूलो m के रिस्पेक्ट में केले टेबल, विच इज वेरी वेरी सिंपल। सिमिलरली, अगर आपके पास यहाँ पे ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 का, तो हमने एडिशन मॉड्यूलो m का ऑपरेशन देख लिया, वो कैसे लगता है। नेक्स्ट हम इस U8 ग्रुप में, जो कि आपको बहुत फेमिलियर है इस ग्रुप से, इस ग्रुप में हम किसके लिए देखते हैं ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 का ऑपरेशन हम देखते हैं, इस पे कैसे लगेगा। देखिए, 1 को आप 1 से ऑपरेट करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि जब आप 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1 × 3 आफ्टर डिवाइडिंग बाय 8 ऑल्सो यूल गेट रिमाइंडर 3। 1 × 5 1 × 7 इज 7, वेन यूल डिवाइड बाय 8 रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 7, ठीक है। 3 × 1 इज 3, 8 से डिवाइड कीजिए क्या आएगा रिमाइंडर 3। 3 × 3 इज 9, 9 को डिवाइड कीजिए 8 से क्या आएगा रिमाइंडर 1। 3 × 5 इज 15, 8 से डिवाइड कीजिए क्या आएगा आपके पास 7। 3 × 7 इज 21, इसको आप 8 से डिवाइड कीजिए आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा 5। ओके, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 5, 8 से डिवाइड कीजिए रिमाइंडर विल बी 5। 5 × 3 = 15, रिमाइंडर विल बी 7। 5 × 5 = 25 एंड रिमाइंडर विल बी 1। 5 × 7 = 35 एंड रिमाइंडर विल बी 8 × 4 = 32, रिमाइंडर विल बी 3। 7 × 1 = 7, रिमाइंडर विल बी 7। 7 × 3 = 21, 8 × 2 = 16, रिमाइंडर विल बी 5। 7 × 5 = 35, रिमाइंडर विल बी 3।
7 7s are 49, 8 6 are 48, remainder will be 1. So this is the table multiplication modulo 8 या addition modulo m, कुछ भी आ जाए आपके पास, आपने क्या करना है, multiply करना है अगर multiply है तो, and then you will divide by जो भी m यहाँ पे होगा, m 7 है, 6 है, कुछ भी m है, आपने उससे divide करना है, और यहाँ पे आपने क्या लिखना होता है, remainder लिखना होता है, ठीक है? So these are multiplication tables in group theory, you can say Kelly tables, ठीक है? और अगर आपको कोई doubt आ रहा है तो please comment section में मुझे पूछिए. इससे पहले भी हम ग्रुप की कुछ वीडियोस कर चुके हैं, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.